हेलो भाइयों, नितिन सारस्वत की इस नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में भाई जो टॉपिक है ना भाई, वी आर कमिंग टू नैनीताल। इसका मतलब भाई हम लोग जा रहे हैं नैनीताल, ठीक है, अपने मामाओं के साथ जा रहे हैं भाई। इनसे बचना पड़ता है यार। तो यहाँ का जो रास्ता है ना, मेन मेरा मोटो क्या है इस वीडियो को बनाने का, यहाँ का वे और भाई जाने में बीच में आपको कैसा मतलब व्यू मिलेगा और कैसी मतलब लोकेशन मिलेगी, ये देखो भाई। बाद जो आदमी तो डर जाए यार, देखो कितना डीप है यार ये सब है। ये देखो, ये जो आपको ये पॉइंट दिख रहा है ना, इसको शायद से सुसाइड पॉइंट और हिल व्यू पॉइंट भी कहते हैं। 21 यहाँ पे भी बोर्ड है, ये देख लो, ठीक है। तो बस यही था, अभी वहाँ पे चल के दिखाते हैं आपको क्या है वहाँ पे सारा जगह लोकेशन, ठीक है। I just wanna stay bad, stay mad, chip on my shoulder cause they treat me like an outcast. I ain't gonna take that, stay back, I'll be swinging hard till the hits come in all caps. I ain't gonna lay back, pray that someone's gonna help me, ain't nobody like that. भाई जू जाने के लिए पैदल रास्ता ले लिया, जब तो देखो बच्चे की भी हालत खराब हो गई। चल 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 भाई, चल कोई भी आओ, पैदल मत आओ यार। हम तो फट गए, नीचे कोई गाड़ी नहीं मिली, हम तो पैदल पैदल आ गए, दिमाग खराब हो गया भाई। वैष्णो देवी की सीढ़ी चल रही, चलो कोई दिखाते हाथ पैर पचा के सब कुछ करके आ चुके हैं यार नैनीताल जू, ठीक है। बाकी अब इसमें दिखाएंगे कौन कौन से जान। 100 रुपए किया भाई यहाँ तो। भाई फाइनल एंट्री होते हुए सामान जितना भी है ना ये सारा सबमिट हो जाता है, आपको बिल्कुल एम्प्टी हाथों से जाना पड़ता है अंदर, ठीक है। बिजनेस स्किल्स, बिजनेस मैटर्स, बाकी का ऐसा ही है। योगा वोगा का भी भाई इन्होंने स्कूल सा बना रखा है यहाँ पे, ठीक है। चल चलते हैं ऊपर, जूम में चलते हैं। आ जा गोलू, और एक ये है वाइट फीजेंट, देखो बहुत रेयर एनिमल है। तो भाई ये रहा बंगाल टाइगर, ये नाम से ही जाना जाता है भाई, इतना हैवी होता है ना ये 150 से 200 किलो का, तो उसमें विड्थ भी बहुत होती है इसकी, ऐसा बना रखा है इसका केज। एक तो धूप की वजह से नहीं आएगा, अंदर भी था एक। भाई दौड़ने लग गया है, अबे ये टाइगर है। अरे भाई इतना नजदीक से किसी ने देखा होना तब बात करना। ये जबरन में ये सभी उसी जाते हैं, ये भाई दहाड़ने लग रहा है, बहुत भारी है, मतलब सामने से पता चल रहा है दहाड़ेगा। देखो यार भाई ये बताओ क्या है, बकरी नहीं नहीं वो बोलो क्या बोल रहे थे भाई, ये बोल रहे हैं मामा हमारे यहाँ पे क्या है मामा, ये बकरिया बकरिया बकरिया, ये बताना एक बार आप कमेंट करके क्या चीज है। वैसे यहाँ लिख तो रहा हो भाई, डियर है ये, ये बकरिया ये भाई लेपर्ड कुछ नहीं है तू, ये भाई लेपर्ड सोया है, पर नसीब खराब है थोड़ा, ना तो पूरा दिखता। ज्यादातर बंदों को नहीं पता होता है गंगनाथ जी का प्राचीन मंदिर है, ठीक है। अच्छा ही लग रहा है यार। भाई आगे दिखाया था एक पेंडा, और ये क्या है मामा, गेंडा 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 है ये गेंडा। भाई साहब इतना तो कोई भी देख के बता देगा क्या है ये, वैसे ही मैं बता देता हूँ, मैडी 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 ये तो अलग अलग नाम बताएंगे। ये है भाई हिमालयन पामचेट है, पामचेट है, गलत पढ़ रहा हूँ तो कमेंट कर देना, ठीक है। सांभर नाम भाई इसका अलग ही है, वैसे यूनिक सा है नाम साम मारखोर, देखो देखो ये भाई मारखोर है, इसके सींग देखो जरा ड्रिल मशीन से,
ये रहा अपना हॉग डियर। ये क्या कोई भाई ये देखो मार रहा है। गुलदार एक वहां पे भी अंदर दिखाऊंगा। ये देखो ये रहा देखो ये वो नहीं करता मेरा भाई। ये तो फुल एक्टिव हो रखा है धूप लेके। ऐसा इसका पिंजरा सा बना रखा है भाई साहब। ये देखो चीते कैसी आवाजें मार रहे हैं। फुल एक्टिव है इस टाइम पे। फुल भाई अभी आ तो चुके हैं वहां से नैनीताल जू से एग्जिट करके। ठीक है बाकी इधर से रास्ता है आप उधर से आओगे ना नीचे उतर के इधर इधर थोड़ा सा नीचे जाके आपको टैक्सी के ऑप्शंस मिल जाएंगे। फिर वहां से आप टैक्सी वगैरह भी ले सकते हो। भैया भुट्टे बहुत महंगे हैं 50 रुपए। हमारी दिमाग खराब हो गया है ऐसे अभी बनाए रहते हैं। भाई एक्सपेरिमेंट करना है लेकिन ऐसे मत करना ये देख। चलो यार चलो लो पहनो। चलो हम चला गए चलो। Oh. 6 a.m. and I'm up again. I got tired eyes, need a couple blends. That's right, in the a.m. that's my only friend. Why is that better way? Is that what I'm talking about? Lucky bucket. देखो जब आप ना यहाँ पे आओ नैनीताल जैसी एक टूरिस्ट प्लेस पे तो ये लोग बहुत सी चीजें सजेस्ट करेंगे। जैसे कि नॉर्मल बोट होती है जिसमें एक आदमी भी रहता है और एक ही आप खुद से चला रहे हो। ठीक है उसका टाइम बताऊँ 2-3 बार का एक्सपीरियंस है 10 मिनट से ज्यादा। उसमें 10 मिनट रखते हैं बस वो और लेटा देते हैं। इसका टाइम बताऊँ मैं चौक गया 1 घंटा। अपना 1 घंटा कहीं पे भी रुको मजे लो। सही चीज लगी भाई मेरे को तो ये बहुत पैडल लो स्टेरिंग पे आते ये रहा स्टेरिंग। चलो बताओ भैया राम के नाम ना वचन दे ना डूब रहे आप पैर चलाओ बस ये चलते चलते हम लोग आ गए इस मंदिर पे। ये ताकत लगाते लगाते वैसे ही मौज रही है। कहीं पे भी जाओ टकराई मामा मामा सेम दा उल्टी लो ऐसे करो तो उल्टी चलेगी ऐसे लो तो आगे चलेगी सारी सुविधाएं इसमें। वहीं से मोड़ दो पर यहीं से हां तो भाई बोटिंग पूरी हो चुकी है अब ऊपर चलते हैं। ठीक है बाकी भाई एक्सपीरियंस बहुत सही रहा इसका। टाइम हमें बहुत मिल गया टाइम लिमिट की मेन थी मिल गई। रिएक्शन भाई के तो भाई अभी हम पहुंच चुके हैं हिमालयन व्यू पॉइंट पे। यहाँ पे टेलीस्कोप है पढ़ लेना बंदर के साथ फोटो खिंचवाने के 20 रुपए की व्यक्ति है तो ये सब है। और हिमालय देखो देखो ये देखो दिख रहा है सब भाई हिमालय कैलाश पर्वत बड़ा सही लग रहा है यार वैसे देखने में। तो भाई ये हिमालयन व्यू पॉइंट देख के निकल चुके हैं अब डायरेक्ट अपने हल्द्वानी जाएंगे। ठीक है चलते हैं कहीं भी नहीं है आगे। तो इसी के साथ वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।